बेलग्रेड सिटी से 40 किलोमीटर्स निकोला। हाय गाइस, एक लेक पे जा रहे हैं जिसका नाम है दुबो की पोता। का सर्बिया का एक्सपीरियंस आपको बताऊं। ऑनियंस देख लेते हैं, चलो। इंडिया में ऑनियंस का प्राइस कितना हाई है आप लोगों को पता है? हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मुझे होस्ट किया है निकोला भाई ने उनके घर पे, और वो जो आप पीछे टेंट देख रहे हो वो उसी ने मुझे सेटअप करके दिया हुआ है, और वहाँ पे मैं दो दिन से सो रहा था। ये उसका पीछे घर है। बेलग्रेड सिटी से 40 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द साउथ है। ये एक छोटा सा गाँव है, आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। मैं आपको मिलाता हूँ निकोला से। हेलो निकोला। हाय गाइस, हाउ आर यू? नॉट बैड, कुछ नहीं, बस। ओके, तो हम लोग एक लेक पे जा रहे हैं जिसका नाम है दुबो की पोतक। ओके, और यहाँ से 7 किलोमीटर्स दूर है, साइकिलिंग करते हुए जाएंगे। बहुत टाइम से साइकिलिंग मिस कर रहा हूँ मैं, सो लेट्स गो। ऑलराइट, अभी हम पहुंच चुके हैं दुबो की पोतक लेक पे। यहाँ पे पीछे है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है। सो आई थिंक अभी निकोला भाई का प्लान है यहाँ पे स्विम करना। लेट्स सी, मैं भी कुछ डुबकी मारूंगा। स्विम करके तो हो गया, और दुबो की पोतक लेक के आसपास ही ये रेस्टोरेंट है। अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में कोई वेजिटेरियन खाना नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल यू विल गेट इज बियर एंड मीट। तो वेजिटेरियंस बाय बाय। सो मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मैं बियर पी रहा हूँ, लेकिन मुझे लकीली जो रेस्टोरेंट के ओनर है उसने कुछ स्वीट्स अरेंज करके दे दिए खाने के लिए। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, लेकिन आसपास के व्यूज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट नीचे बहुत अच्छा है, वहाँ पे निकोला बैठा है। इट्स वंडरफुल, यू कैन स्विम, आप यहाँ पे तैर सकते हो। आपने देखा ही है मेरे वीडियो में, मैं तो तैरता ही हूँ हर जगह। जो निकोला है वो काउच सर्फिंग होस्ट है यहाँ पे, और आप उसको काउच सर्फिंग के ऐप से ही कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपको होस्ट करना चाहता है तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो आप उसके घर पे रह सकते हो। रेस्ट अभी तक मैंने हॉस्टल में
चार दिन गुजारे बालकंसोल हॉस्टल में, और फिर मैं इस वीक से संडे से निकोला के पास रह रहा हूँ काउच सर्फिंग पे। तो रहने का कॉस्ट डिक्रीज हो गया, लेकिन जो मुझे डेली का खाने पीने के लिए चाहिए वो तो मैं बाय कर ही रहा हूँ। और अभी तक का सर्बिया का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मुझे बहुत ही नॉर्मल लग रहा है। बेलग्रेड में आप स्पेशली जाओगे तो बहुत बिजी सिटी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, तुरंत गुजर जाते हैं। बट आप थोड़ा बेलग्रेड के बाहर आओगे 40 किलोमीटर थोड़ा दूर ऐसे गाँव में, तो लोग स्माइल करेंगे, पूछेंगे आप कहाँ से हो क्या है। लेकिन आपको कुछ छोटे मोटे चीज़ें लर्न करके आना ज़रूरी है, जैसे डोबारडान कहना है लोगों को, और फिर ज़द्रावो काकुस्ती, मतलब ज़द्रावो काकुस्ती मतलब हेलो हाउ आर यू, काकुस्ते मतलब फॉर्मल वे, काकुस्ती मतलब इनफॉर्मल वे। ऐसे छोटे छोटे कई सारे चीज़ें मैंने लर्न किए हुए हैं जो मैं यहाँ पे आके सीधा लोगों को बोल देता हूँ, सो दे फील लाइक नॉर्मल, यू नो। ये जो पीछे जगह आप देख रहे हो ये वो रेस्टोरेंट है, उसी स्ट्रीट में है इस लेक के, पर अभी हम इस डायरेक्शन से आगे जा रहे हैं। अभी जाते समय थोड़ा और अलग रूट ले रहे हैं क्योंकि निकोला भाई ने कहा है कि यहाँ से कुछ मार्केट आएगा, वो मार्केट में कुछ खरीदेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे। अभी चल पड़ा हूँ मैं निकोला भाई साहब के साथ साइकिल पे। वापस अपने घर पे। पास ही में एक सुपरमार्केट है, अभी उस सुपरमार्केट में हम लोग आ गए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो आज रात के बारबेक्यू के लिए निकोला ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मशरूम ले लो। ओके, तो ये है मशरूम का पैकेट, और यहाँ पे आप प्राइस देखोगे तो ये है 98 dirhams, ओके 400 grams ऑफ मशरूम, और बहुत अच्छी क्वालिटी के मशरूम्स हैं। और इंडियन रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट करो तो इट इज़ जस्ट 70 rupees। तो यहाँ पे देखिए एप्पल्स है, अच्छी क्वालिटी है, it's not that premium but it's still okay, it's a good apples, it's 99 dirhams, Serbian dirhams, that is again 70 rupees for 1 kg, 1 kilo apples ke liye 70 rupees hai, it's quite good. Green apples bhi same price mein hai. Onions dekh lete hain, chalo India mein onions ka price kitna high hai aap logo ko pata hai, right? Yahan pe dekhiye 55 dirhams hai for 4 पर के जी, 38 इंडियन रुपीज़ में आपको 1 किलो कांदा मिलता है यहाँ पर।
कि आओगे सर्बिया तो आप आपका खुद का ब्रेकफास्ट और ग्रोसरी का एडजस्टमेंट करना, अगर आपको किचन मिल जाए तो आप खुद कुकिंग करना सबसे बेस्ट है। Take it, this is yours. Ah, sorry. I like mine better, sorry. Sorry, I just forgot. I thought I had the grey one. Which side? Right, left? We're going left. आज का दिन तो पूरा हो रहा है। सुपरमार्केट से जो मशरूम्स लिए थे वो निकोला भाई ने मुझे कुछ नया सिखाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मशरूम है और आज हम मशरूम बारबेक्यू कर रहे हैं, तो जो मशरूम है उसके बीच में चीज चॉप करके मैं डाल रहा हूँ, तो मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक पीस करके। देखो ये मशरूम है, इसके जो ऊपर का ये पोर्शन है ना ये निकाल देना है, निकालने के बाद एक ऐसा गैप बन जाता है मशरूम के बीच में, देखो कप शेप में, और फिर इसमें क्या करना है जो तो अपना चॉप्ड चीज़ है वो ऐसे हल्का हल्का अपने हाथों से यहाँ पर डाल देना है।